बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चमथा 3 पंचायत के जमाइन काट के समीप नाव पलटने से नाव पर सवार करीब 12 लोग पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया एवं 2 लोग लापता थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर थानाध्यक्ष अजीत कुमार एवं एसडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर लापता लोगों की खोजबीन करने लगे। लापता की पहचान चमथा 3 पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 10 निवासी तुलसी शर्मा की 25 वर्षीय पत्नी प्रतिभा देवी एवं 3 वर्ष शिवानी कुमारी के रूप में की गई है। एसडीआरएफ एवं स्थानीय लोगों की मदद से काफी खोजबीन के बाद 3 वर्षीय बच्ची शिवानी कुमारी को नदी से निकाल लिया गया। वह प्रतिभा देवी अभी तक नहीं मिली है। एसडीआरएफ की टीम एवं स्थानीय लोग अभी तक प्रतिभा देवी की तलाश में जुटे हुए हैं। घटना के संबंध में थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि नाव पलटने के कारण नाव पर सवार करीब 12 लोग डूब गए, जिसमें से 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं एसडीआरएफ एवं स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद तुलसी शर्मा की 3 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी को निकाल लिया गया है एवं उनकी पत्नी प्रतिभा देवी की खोजबीन की जा रही है एवं घटना एवं समस्या को लेकर बाढ़ पीड़ित व्यवस्था समुचित करने वाले पदाधिकारी स्थानीय विधायक और पंचायती मुखिया के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, इसको लेकर सरकारी स्तर पर क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही? कुछ नहीं, नहीं तो फिर पदाधिकारी तो कह रहे हैं पदाधिकारी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं भैया, यहाँ हमारे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर पदाधिकारी कह रहे हैं तो आके जवाब दे जो हम इन लोगों को सुविधा दिए हैं। हमारे नाव का सुविधा है, अभी जो घटना हुई डूब गए लोग, ये 4 दिन से भूखा थी महिला 10 नंबर वार्ड का, वहाँ अभी चल के देखिए जो कहीं थमान नहीं है, मजबूरी में मोटा नाव से बच्चा के लेके कर रहे थे। यहाँ से दुख के कारण निकल रही थी, लेकिन यह बीच में घटना हो गई। न एक नाव का व्यवस्था है, न कोई चीज का व्यवस्था है। पदाधिकारी कोई बोल रहा है वो एकदम गलत बोल रहा है, न तो वो पदाधिकारी अभी आके सही स्तर पर देखे जो नाव वो कहाँ दिया है। नहीं तो सुरेंद्र मेहता भी अपने सुरेंद्र मेहता हो या प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो, वो सही स्तर पर आए और चल के देखे जो हम कहाँ कहाँ सुविधा दिए हैं, किसको दिए हैं या नहीं दिए हैं। स्थानीय विधायक सुरेंद्र मेहता की तरफ से 20 नाव आवंटित किया गया, फिर आप लोग को नहीं मिला है? 20 नाव नहीं, वो 40 नाव दिए, उससे मतलब नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो हमारे यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, ना नाव मिला ना कोई चीज मिला। अभी भी जिसको जानवर है वो जिसको कर रहे हैं उससे हम अभी जहाँ कोई सुविधा नहीं है। अरे भैया चमथा 3 में आप जाके देखिए, कोई सुविधा नहीं, हमको साथ लगाते हैं पदाधिकारी को बुलाइए, चलिए 6 नंबर या और 7 नंबर में एक ना नाव है ना कुछ है ना कोई चीज का सुविधा। घटना कैसे घटित हुई? और सर हम लोग आ रहे थे, मतलब वह नाव पर, नाव से पीछे पीछे हम रोड धर के आ रहे थे और हम लोग यहाँ पर आए तो बोला से यहाँ पर नाव डूब गया है, तो हम लोग पानी में हेल के भी खोजे और ये जनता था 10 नंबर वार्ड का, वहाँ पर कोई मुखिया और कोई वहाँ पर सरकारी नाव को उपलब्ध नहीं है। ये सबसे बड़का मुखिया के 203 का मुदाले होना चाहिए, यहाँ का मुखिया नहीं इधर दिया नाव, उधर 10 नंबर वार्ड में जो फुट वार्ड है वहाँ पर उसको अवश्य नाव देना चाहिए। और CO मैडम का हम लोग फ़ोन किए तो बोले से मुखिया जी से समझिएगा, अरे मुखिया जी सफाई लापरवाही किए हैं। आपके वार्ड में नाव उपलब्ध नहीं? नहीं नहीं, सरकारी नाव कोई उपलब्ध नहीं है हमारा वार्ड में। आप लोग कैसे आवाजाही करते हैं? वो छोटा फूटा सा नाव था उससे आ रहे थे, वही से होता है वहाँ से वहाँ आता है, तो बाद वहाँ से रोड रोड पैदल आता है वहाँ का आदमी। आपका परिचय? संतोष कुमार राय। इस घटना पर आपका क्या कहना है? हमको सीधा सीधा लापरवाही दिखा रहा है। और क्या लापरवाही आपको दिख? कोई चीज का व्यवस्था ही नहीं है। सरकारी स्तर पर तो नाव व्यवस्था की गई? क्या चीज सरकारी, एगो नैया मिला ये तो कहां इतना बड़ा बेल्ट है, एगो नैया क्या होगा? सबसे लास्ट गोपालपुर होती है, सबसे लास्ट क्षेत्र में गोपालपुर है, गोपालपुर में एक भी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है और नहीं आज तक कोई प्रशासन वहां गई है।
देखने के लिए नहीं। आजकल यहाँ का विधायक भी नहीं गई है उस क्षेत्र में, यहाँ का विधायक जो अभी सुंदर मेहता जी है वो तक भी क्षेत्र में नहीं गए हैं। सब क्या लापरवाही नहीं है? आप लोग के बीच राहत में बचाव का कार्य नहीं किया जा रहा? कुछ नहीं किया जा रहा है। करीबन किया जा रहा है? करीबन कितने लोग नाव पर सवार थे? कितने सवार थे नाव पे? लगभग 10-15 लोग थे नाव पे। लगभग 10 लोग, 10 लोग नाव पे थे लगभग। और सरकारी नाव की व्यवस्था वहाँ तक नहीं दी गई है, सरकारी नाव की व्यवस्था दी भी गई है तो उस पे जो मांझी लोग हैं वो बस बैठे रहते हैं पुल पे, एक घंटा लेट करते हैं, जब 10 नाव खुल जाती है तब नाव खोलते हैं वो सब। ये सब लापरवाही नहीं है? आपका परिचय? मेरा परिचय दीपक कुमार यादव है। इस घटना का क्या कारण हो सकता है? कारण है सोलिंदर मेहता, जिसको नाम लेते हैं जो नाव देता है, आपदा अधिकारी जो खून दिया है नाव, अपना चमचा को दे दिया, अपना चमचा को दिया है, देसर का कुछ नहीं दिया है। चलिए अभी कहते हैं घटना, आम जनता को सुविधा है, आम जनता को कोई सुविधा नहीं है। हम लोग जैसे साला का छोटा मोटा नहीं आने के, हम लोग को डेरा है भाईपुर में, घर है साला का, अभी जो चारों तरफ पानी है, डेली के डेली जिसका नया फिल्टर वाला रोड वहाँ जो लगा देता है, हम लोग का डर है। इस कारण जो है हम लोग छोटा मोटा लेके किसी तरह जैसा प्रस्तुति जी रहे हैं। डेली रंगबाज जो है सो आता है तो लोगों का आरोप है कि वोट की राजनीति कर आपने लोगों को ना आवंटित नहीं करवाया, इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहना है? प्रशासन को सब जगह सूचित कर दिया गया था जो कहां से कहां नाव की जरूरी है। अब जो सीमित व्यवस्था है, चक्की से भी नाव बाजितपुर के लिए दिया गया है, लेकिन आबादी ज़्यादा रहने के चलते एक नाव से संभव नहीं। हम भी मांग किए थे जो 3 से 4 नाव होना चाहिए। इस जो इलाका इधर का पड़ता है, गोपालपुर समेत कई जैसे वार्ड हैं जहां के लोग पानी में फंसे हुए हैं, लेकिन वह नाव के अभाव में आवाजाही नहीं कर रहे हैं, उनको सरकारी नाव भी मुहैया नहीं कराई गई, साथ ही पशु चारा भोजन समेत अन्य राहत से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं करवाई जा रही है। लोगों का आरोप है कि सिर्फ कहीं ना कहीं वोट की राजनीति के कारण उनको सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, जितना व्यवस्था है उसी में करना है। ऐसी कोई बात नहीं है जो कहीं पे 5 गो नाव ऐसा नहीं है, बांध के रखा गया है, सब जगह से नाव जो उपलब्ध है करवाया गया। इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? ये तो दुखद घटना है, इस घटना को तो दुखद घटना है। इस तरह का तो मान लीजिए अभी जो है इस भयावह स्थिति में हम लोग क्या कह सकते हैं अभी तो इस दुखद घटना में।